देश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। पहले ही आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने का मतलब होगा कि वह पूरी तरह से हाशिए पर चले जाएंगे। देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में उनकी नुमाइंदगी सिमटती जा रही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से लेकर हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से केवल 23 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। यहां तक कि सरकार बनाने वाली भाजपा से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है, जबकि इसके पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में 64 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। अगर हम मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करें तो इन राज्यों में भाजपा से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। इसी तरह लोकसभा में अभी केवल 23 मुस्लिम सांसद हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में यह हिस्सेदारी कुल 4.3% है, जबकि देश की जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 15% से भी ज्यादा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम सांसद सिर्फ 7 राज्यों से हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से चुने गए हैं। राज्यों में कुल जनसंख्या की 46% मुस्लिम आबादी रहती है। बाकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत 22 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व चुनकर संसद तक नहीं पहुंचा है, जबकि इन राज्यों में 54% मुस्लिम आबादी रहती है। वहीं लोगों का मानना है कि केंद्र के साथ साथ देश के 14 राज्यों में सत्ताधारी भाजपा के हिंदूवादी तुष्टिकरण की राजनीति को इसका कारण बताते हैं। उनका कहना है कि भाजपा की इस तरह की राजनीति ने मुसलमान वोट बैंक की ताकत खत्म कर दी है। हालांकि मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक हैसियत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से मुसलमान आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। सरकारी नौकरियों में उनको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद वह अलग थलग होते जा रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस देश में 18 करोड़ मुसलमान हैं और उनका राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी तो यह वाकई परेशान करने वाली बात है। इसकी वजहों की पड़ताल करनी होगी कि कैसे बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़काया जा रहा है, कैसे अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से अलग थलग किया जा रहा है। इस पर सभी को विचार करना होगा, हमारे समाज को, हमारे राजनीतिक दलों को, क्योंकि अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में हालात और खराब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।